ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के टाटा नगर यानी जमशेदपुर में। जी हां, टाटा नगर जमशेदपुर के जाकिर नगर मानगो में मौजूद कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के सालाना फंक्शन के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद जियाउल मोबीन अंसारी साहब, जो मेंबर ट्रस्टी हैं कबीर वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर के। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद फहीम साहब। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट अपने कई इदारों के जरिए अदबी और समाजी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस मुशायरे में तमाम शोरा का इंतखाब शायर जनाब सईद अहसन साहब ने किया। जी हां, जनाब सईद अहसन साहब जमशेदपुर टाटा नगर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुशायरों में कर रहे हैं। कासमी साहब रुखसत हुए हैं और इसके बाद आइए मैं यहां से अब पटना की तरफ चलता हूं। दोस्तों, शायरी करना और खूबसूरत शायरी करना अलग अलग सी बातें हुआ करती हैं। हम उस मिसरे पे शेर तो कह सकते हैं, 2500 अशार हो सकते हैं, लेकिन जब मिसाल पेश करना होता है तो कोई एक ऐसा शेर होता है जो जैसे इंतखाब हम करते हैं कि किस शेर को रखा जाए। तो मैं एक बार ये कहना चाहता हूं कि पटना में जफर सिद्दीकी साहब वहां से तशरीफ रखते हैं, उनकी शायरी सिर्फ शायरी नहीं हुई है बल्कि उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसी शायरी परवेज ये जफर सिद्दीकी साहब करते हैं, हमारे दरमियान हैं, मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं और आपको दावत देता हूं कि आप अगर अच्छा शेर है तो खामोश नहीं रहेंगे। एक मोहतरम शायर माइक पर है। उर्दू दुनिया में जो चंद बिहार के नाम निकल के सामने आए हैं उसमें एक बड़ा नाम जफर सिद्दीकी का है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। हजरात, हम लोग जहां बुलाए गए हैं, जिस सरजमीन पे बुलाए गए हैं, उसके ताल्लुक से पहले चार मिसरे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये चार मिसरे यूसुफ जमीर साहब से होते हुए, यूसुफ जमीर साहब आपसे होते हुए, हाँ, तो अर्ज किया है कि तुम न पाओगे शूल जैसे लोग कांटे जैसे, कि तुम न पाओगे शूल जैसे लोग खसलतों में बबूल जैसे लोग, कि खसलतों में बबूल जैसे लोग तुम न पाओगे शूल जैसे लोग खसलतों में बबूल जैसे लोग, कल भी बसते थे अब भी बसते हैं शहरे आहन में फूल जैसे लोग। क्या बात, शहरे आहन में फूल जैसे लोग तुम न पाओगे शूल जैसे लोग खसलतों में बबूल जैसे लोग, कल भी बसते थे अब भी बसते हैं शहरे आहन में फूल जैसे लोग, कि शहरे आहन में फूल जैसे लोग। अब आइए सियासी तनाजरों पर ले सुनाते हैं, उसके बाद खबर शुरू करते हैं। साहब, लोग आते हैं, अपनी समझाते हैं और चले जाते हैं और उसी तरफ फिर खाते हुए आ रहे हैं। 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल और इंतजार करना है इरशाद बहकर। तो चार मिसरे देखेंगे कि गलियों गलियों दौड़ लगाते रहते हैं, गलियों गलियों दौड़ लगाते रहते हैं, कैसी कैसी बात बताते रहते हैं, कैसी कैसी बात बताते रहते हैं, कि गलियों गलियों दौड़ लगाते रहते हैं, कैसी कैसी बात बताते रहते हैं। हर एक 5 बरस वाले ये बाजीगर, हर एक 5 बरस वाले ये बाजीगर हमको झूठे ख्वाब दिखाते रहते हैं, हमको झूठे ख्वाब दिखाते रहते हैं, कि गलियों गलियों दौड़ लगाते रहते हैं,
कैसी कैसी बात बताते रहते हैं। हर एक 5 बरस वाले ये बाजीगर हमको झूठे ख्वाब दिखाते रहते हैं, हमको झूठे ख्वाब दिखाते रहते हैं। और आइए दो शेर और समाप्त कीजिए कि तुम हो दिलदार तो हम भी हैं मोहब्बत वाले, कि तुम हो दिलदार तो हम भी हैं मोहब्बत वाले। कैसे बन जाते हैं हालात अदावत वाले, कैसे बन जाते हैं हालात अदावत वाले। तुम दिलदार तो हम भी हैं मोहब्बत वाले, कैसे बन जाते हैं हालात अदावत वाले। चाहते दोनों हैं आपस में न झगड़ें लेकिन, चाहते दोनों हैं आपस में न झगड़ें लेकिन मिलके रहने नहीं देते ये सियासत वाले, रहने नहीं देते ये सियासत वाले। दिलदार तो हम भी हैं मोहब्बत वाले, कैसे बन जाते हैं हालात अदावत वाले। चाहते दोनों हैं आपस में न झगड़े लेकिन मिलके रहने नहीं देते ये सियासत वाले, के मिलके रहने नहीं देते ये सियासत वाले। अब आइए गजल का मतलब समाप्त कीजिए। अर्ज किया है कि हम लोग उजाले से बगावत नहीं करते, हम लोग उजाले से बगावत नहीं करते, सूरज को बुझाने की हिमाकत नहीं करते, सूरज को बुझाने की हिमाकत नहीं करते, हम लोग उजाले से बगावत नहीं करते, सूरज को बुझाने की हिमाकत नहीं करते, हम प्यार किया करते हैं नफरत नहीं करते, हम प्यार किया करते हैं नफरत नहीं करते, मतलब के लिए गंदी सियासत नहीं करते, कि मतलब के लिए गंदी सियासत नहीं करते, हम प्यार किया करते हैं नफरत नहीं करते, मतलब के लिए गंदी सियासत नहीं करते, कि मतलब के लिए गंदी सियासत नहीं करते। अब कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, अच्छा कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं इजहारे हकीकत नहीं करते, चुप रहते हैं इजहारे हकीकत नहीं करते। कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं इजहारे हकीकत नहीं करते, कि चुप रहते हैं इजहारे हकीकत नहीं करते। और फिर देखिए कि दुश्मन हो अगर हक पे तो हम साथ हैं उसके, कि दुश्मन हो अगर हक पे तो हम साथ हैं उसके, अब भाई जो गलत हो तो हिमायत नहीं करते, कि भाई जो गलत हो तो हिमायत नहीं करते, कि दुश्मन हो अगर हक पे तो हम साथ हैं उसके, अब भाई जो गलत हो तो हिमायत नहीं करते, कि भाई जो गलत हो तो हिमायत नहीं करते। घूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, घूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज उठाने की जसारत नहीं करते, कि आवाज उठाने की जसारत नहीं करते। गूंगे नजर आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज उठाने की जसारत नहीं करते, कि आवाज उठाने की जसारत नहीं करते। इस शहर के लोगों का मुहाफिज नहीं कोई, इस शहर के लोगों का मुहाफिज नहीं कोई, लुट जाते हैं जो अपनी हिफाजत नहीं करते, बहुत लुट जाते हैं जो अपनी हिफाजत, लुट जाते हैं जो अपनी हिफाजत नहीं करते। इस शहर के लोगों का मुहाफिज नहीं कोई, लुट जाते हैं जो अपनी हिफाजत नहीं करते, कि लुट जाते हैं जो अपनी हिफाजत नहीं करते। और गजल के हवाले से ये शेर समाप्त कीजिए, वो हैं कि चले आते हैं तन्हाई में अक्सर, क्या है कि वो हैं कि चले आते हैं तन्हाई में अक्सर, हम हैं कि अमानत में खयानत में, बहुत कि हम हैं कि ये नौजवानों के लिए भाई हमारी तरह इरादा होना चाहिए, कि वो है कि चले आते हैं तन्हाई में अक्सर, हम हैं कि अमानत में खयानत नहीं करते, कि हम हैं कि अमानत में खयानत नहीं करते। और ये शेर बतौर खास वो भाई सियासतदानों से माजरत के साथ, कि वो हैं कि चले आते हैं तन्हाई में अक्सर, हम हैं कि अमानत में खयानत नहीं करते। क्यों मुझको सियासत की तरफ खींच रहे हो, क्यों मुझको सियासत की तरफ खींच रहे हो,
सब लोग तवायफ से मोहब्बत नहीं करते। सब लोग क्यों मुझको से आप क्यों मुझको सियासत की तरफ खींच रहे हो? सब लोग तवायफ से मोहब्बत नहीं करते कि सब लोग तवायफ से मोहब्बत नहीं करते। और आज के लिए ये शेर मकता है कि हम जिनके लिए रोज सजाते हैं जफर बज़्म, हम जिनके लिए रोज सजाते हैं जफर बज़्म, अफसोस वही आने की जहमत नहीं करते के अफसोस वही आने की जहमत नहीं करते। हम जिनके लिए रोज सजाते हैं जफर बज़्म, अफसोस वही आने की जहमत नहीं करते। और हम लोग उजाले से बगावत नहीं करते, और सूरज को बुझाने की हिमाकत नहीं करते। दोस्तों, अजीमाबाद पटना से हमारे दरमियान जनाब जफर सिद्दीकी आए और खूबसूरत अशआर पेश करके गए। उन्होंने कहा भी कि सियासत जी, हाँ जी जी, मैं फिर बुलवा लूंगा, फिर बुलवाऊंगा। दोस्तों, पहले पहला राउंड मुकम्मल हो जाने दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जफर भाई ने बहुत ही कमाल के साथ ये कहा कि सियासत को छोड़ के हम चल रहे हैं, और सियासत के हवाले से जिस लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वाकई एक शायर ही इतना हिम्मत रखता है कि वो इन सारी बातों को कह सके। कहा यह जाता है कि एक बार भगवान के दरबार में एक दूत एक आत्मा लेकर पहुंचा। भगवान ने पूछा कि ये किसकी आत्मा है, किसकी रूह है? तो कहने लगा, हुजूर, दुनिया में एक जगह है हिंदुस्तान, वहीं से इस आत्मा को ले आया हूं। वहां की जबान में इसे टीचर कहते हैं। ये एक दिन भी स्कूल नहीं जाता था, लेकिन तनख्वाह की तारीख इसे याद रहती थी। अल्लाह मियां उठे, भगवान उठे, आगे बढ़े, बढ़ के गए और हाथ मिलाया और कहा कि बैठा दो इनको, इनका हिसाब करना। स्वर्ग में जाने लायक होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाने लायक होंगे तो नरक में जाएंगे। तभी दूसरा दूत पहुंचा कि प्रभु, उसी मुल्क से मैं एक और आत्मा ले आया हूं, इसको वहां की जबान में बिजनेसमैन कहते हैं। ये बनाता कुछ नहीं था और बेचता सब कुछ था। भगवान फिर आगे बढ़े, उससे भी हाथ मिलाए, कहा इनका भी हिसाब कर दो। तब तक तीसरा दूत एक आत्मा लेकर पहुंचा और कहने लगा कि प्रभु, उसी हिंदुस्तान से इस आत्मा को ले आया हूं, वहां की जबान में इसे नेता कहते थे, इसके आगे आईएएस और आईपीएस घूमते थे, ये लाल बत्ती की गाड़ियों में चलता था। भगवान ने कहा ठीक है, इनका भी हिसाब कर दो। उठे नहीं तो दूत घबरा गया और कहने लगा कि छोटे छोटे लोग आए तो आप बढ़ बढ़ के आगे बढ़ के उनसे हाथ मिला रहे थे और उनका हिसाब करवा रहे थे, ये नेता आया है, उसकी आत्मा है, तब भी आप उठे नहीं। तो दूत को भगवान ने डांटा, कहा कि कंबख्त, तू इतना नहीं जानता, ये नेता है, वो भी हिंदुस्तान का है, मैं कुर्सी छोड़ के इससे हाथ मिलाने जाऊंगा जब तक मेरी कुर्सी पे बैठ जाएगा। दोस्तों, मैं ये सब सारा कुछ इसलिए कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि इसके बाद एक तंजुमिजाह के शायर को बुलाया जाए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के शहर टाटानगर में, जिसे आप जमशेदपुर भी कहते हैं। और आज यहाँ कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया, और कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के ट्रस्टी जनाब जियाउल मुबीन अंसारी साहब की देखरेख में ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा मुशायरा आपको YouTube पे भी मिलेगा। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप mushairalive.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए और YouTube चैनल को हमारे विजिट कीजिए। आप हमसे WhatsApp पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9976402866। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए झारखंड के शहर टाटानगर से।